अगर बात करें खबर राजकोट की, राजकोट में पूर्व केंद्रीय मंत्री की पत्रकार परिषद, रविशंकर प्रसाद नु मोंघवारी मुद्दे मोटू निवेदन सामने आयु। मोंघवारी माटे रशिया ने यूक्रेन युद्ध ने गणायु जवाबदार, भारत पास पेट्रोलियम पैदाश नहीं ए बधा जाने छे। रविशंकर प्रसाद कहूं जेना कारण मोंघवारी वधी गई छे, भारत सरकार मोंघवारी घटाड़वाना प्रयास सतत करी रही छे। देखिए महंगाई के बारे में मैं विस्तार से बोलना चाहता हूं। आज जो यूक्रेन क्राइसिस हुआ है उसके कारण पूरा ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्ब है। भारत में लोहा है, तांबा है, एल्युमिनियम है, कुछ मामले में सोना भी है और कुछ मामले में हीरा भी है, लेकिन भारत में तेल नहीं है। सच्चाई है कि तेल बाहर से आता है। आज इस लड़ाई के कारण पूरा जब ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्ब है तो भारत ही नहीं, दुनिया के बड़े बड़े देश भी महंगाई से बहुत प्रभावित है। अमेरिका में 40% है, जापान में उसके बराबर है, भारत में लोएस्ट है। तो इसके बावजूद भारत सरकार पूरी कोशिश कर रही है, क्योंकि एक बार जब तेल का कॉस्ट बढ़ता है तो ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ उसका असर आता है। इसलिए अपने तरीके से हम लोगों ने पूरा संभालने की कोशिश की है और संभलेगा। हमें पूरा विश्वास है कि देश की जनता समझती है कि जो महंगाई है ये एक टेम्प्ररी कारण से है, जो इस लड़ाई के कारण जल्दी नियंत्रण में आएगी, हमें पूरा विश्वास है, हम करके दिखाएंगे। लेकिन आप ये देखिए कि इसके बावजूद भारत का आर्थिक विकास आज इंग्लैंड से भी आगे चला गया है। जिस इंग्लैंड ने भारत पे 300 साल तक राज किया, आज हमारी इकॉनमी उससे अधिक है। इसीलिए हमने यहाँ के मैनिफेस्टो में ये हिम्मत दिखाई है कि हम गुजरात की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन ले जाएंगे, जो भारत के 5 ट्रिलियन इकॉनमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनेगा।